हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार TLIS यहाँ पर रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया इसका एग्ज़ाम हुए को, पर दोस्तों इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इसकी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलती है। ना ही दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर बिहार TLIS का जो है रिजल्ट है यहाँ कब तक जारी किया जाएगा। पर दोस्तों, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे आए थे बिहार TLIS में 10,000 प्लस वैकेंसीज पर, उन कैंडिडेट के यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इस वीडियो में कंफर्म और ऑफिशियल डेट बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इसके साथ साथ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाने वाली है और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए। फाइनल मेरिट में जो कट ऑफ जाने वाली है कितनी जाने वाली है पोस्ट वाइज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो कैंडिडेट यहाँ बिहार DLIS में यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली बिहार DLIS रिजल्ट से रिलेटेड या फिर अदर चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार DLIS की जो भर्ती निकली थी यहाँ पर 10,000 प्लस वैकेंसीज पर निकली। तो और जिसका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस था यहाँ पर एग्जाम बीच में यहाँ पर रहने वाला था। जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम क्रॉस करेगा उसके यहाँ पर फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होने वाला है। जो एग्जाम की यहाँ पर मेरिट लगेगी उसी मेरिट से यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार DLIS का जो यहाँ पर एग्जाम हो गया है सभी पोस्ट में। और दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर चार पोस्ट में भर्ती आई थी बिहार DLIS में। क्लर्क में यहाँ पर 400 744 वैकेंसी थी, एमिन में 8,244, कुनुंगा में 758 और दोस्तों ESU में यहाँ पर 355 वैकेंसी थी। इन चारों पोस्ट में यहाँ पर एग्जाम हो गया है। दोस्तों, जब से यहाँ पर एग्जाम हुआ है इसका यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इसकी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इस वीडियो के अंत तक आपको वो बता दूंगा। पर दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पर पोस्ट वाइज फाइनल कट ऑफ जाएगी उसकी यहाँ पर कितनी जाने वाली है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए कैटेगरी वाइज, सबसे पहले इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पर क्लर्क पोस्ट की यहाँ पर एक्सपायरी कट ऑफ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एग्जाम में जो कट ऑफ जाने वाली है यहाँ कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों, जनरल में जो कट ऑफ जाने वाली है 95 से 100 के बीच यहाँ पर जाने वाली है, EWS में 85 से 95, OBC में 80 से लेकर 85 के यहाँ बीच कट ऑफ जाने वाली है क्लर्क पोस्ट में, EBC में 78 से 80 के बीच में जाने वाली है, ST में यहाँ पर जाने वाली है 72 से 75 और ST SC में जाने वाली है। दोस्तों, ये ST नहीं है, ये SC है, मिस्टेक से हो गई है। पर दोस्तों, SC कैटेगरी में जाने वाली हैं 68 से 70। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट के यहाँ पर क्लर्क जो का पोस्ट है यहाँ पर क्लर्क की जो पोस्ट है जो इसका एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जिस कैंडिडेट के यहाँ पर 95 में यहाँ पर प्लस मार्क्स होंगे उन कैंडिडेट के यहाँ पर क्लर्क पोस्ट में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर अदर पोस्ट की, जैसे कि MA पोस्ट की। तो दोस्तों, जनरल में जो कट ऑफ जाने वाली है 55 से 58 के बीच में जाने वाली है, OBC में 50 से 55, ABC में 46 से 50, ST में 40 से 42 और SC में जाने वाली 42 से 45 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर MA पोस्ट का जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था उस पोस्ट में जो एग्ज़ाम यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर 55 से 58 प्लस में मार्क्स क्रॉस करेगा उन कैंडिडेट यहाँ पर MA पोस्ट में 100% सिलेक्शन होने वाला है, चाहे आपके यहाँ पर 52 हो या 57। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ 50 प्लस में आपके मार्क्स चाहिए MA पोस्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में, आपके यहाँ 50 प्लस यहाँ पर मार्क्स हैं तो आपका MA पोस्ट में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों, बात करते हैं कुनुंगो पोस्ट की। तो दोस्तों, कुनुंगो पोस्ट में जनरल में कट ऑफ जाने वाली है 60 से 65 के बीच में जाने वाली है, OBC में 55 से 60, EBC में 52 से 55, SC में यहाँ पर जाने वाली है 48 से 52 के कट ऑफ जाने वाली है, ST में जाने वाली है 45 से 48 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कुनुंगो पोस्ट में जो एग्जाम हुआ था, अगर आप यहाँ पर 60 प्लस में मार्क्स होंगे तो आप यहाँ पर कुनुंगो पोस्ट में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो। अगर आप यहाँ पर एग्जाम में 60 प्लस मार्क्स हैं कुनुंगो पोस्ट में तो दोस्तों आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे, आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर ESO पोस्ट की। तो दोस्तों, जनरल में जो कट ऑफ जाने वाली है 75 से 80, OBC में 72 से 75, EBC में 70 से 72 और SC में जाने वाली है यहाँ पर 67 से 70 कट ऑफ जाने वाली है। और दोस्तों, लास्ट में बचता है यहाँ पर ST, तो ST में जाने वाली है 64 से 67 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। और दोस्तों, बात करें सेफ स्कोर की। तो दोस्तों, ESO जो यहाँ पर एग्जाम हुआ था ESO पोस्ट में, अगर आपके एग्जाम में 75 प्लस में मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे
फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा एएसओ पोस्ट में। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था एएसओ पोस्ट में, अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम में आपने 75 प्लस यहाँ पर स्कोर कर दिया तो आप यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों को भी यहाँ कैंडिडेट टेंशन नहीं, कुछ रीजन की वजह से यहाँ पर जो रिजल्ट है यहाँ पर देरी हो रही है, पर दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पर BRDLS का जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो यहाँ रिजल्ट आएगा वही आपके यहाँ पर फाइनल मेरिट रहने वाली है। जो कैंडिडेट की जो यहाँ पर फाइनल मेरिट लगेगी यानी जो भी PDF आएगी रिजल्ट की, उस PDF में जिन कैंडिडेट के यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जो रोल नंबर फिर नाम होंगे, वही आपके यहाँ पर फाइनल रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ भर्ती आई थी BRDLS की, उसमें यहाँ पर क्लियरली लिखा था जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर मेन रहने वाला है। जो कैंडिडेट BRDLS की भर्ती जो एग्ज़ाम क्रॉस करेगा उसके यहाँ पर फाइनल मेरिट से सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट की दे दी है, जब भी यहाँ रिजल्ट जारी होता है जिन कैंडिडेट के यहाँ पर सिलेक्शन होगा उन्हीं का यहाँ पर फाइनल मेरिट लगने वाली है। तो दोस्तों रिजल्ट आए या फिर फाइनल मेरिट, बात ये की है जब भी एग्ज़ाम रिजल्ट जारी होगा वही आपके यहाँ पर फाइनल मेरिट रहने वाली है। तो दोस्तों कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट टेंशन ना ले, जल्द से जल्द यहाँ पर BRDLS का जो यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँगा, ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि यहाँ पर BRDLS का जो यहाँ रिजल्ट है कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर लिया, पर दोस्तों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। पर दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर दिसंबर के एंड तक आपका जो रिजल्ट है BRDLS का यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। आपको रिजल्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर मेरे पास, तो सबसे पहले आपको इस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है BRDLS रिजल्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट हैं BRDLS में रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उस पे से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलने वाली है BRDLS रिजल्ट से रिलेटेड। अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर BRDLS रिजल्ट से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट कर देना या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिए, डिस्क्रिप्शन में चेक करके तो मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ BRDLS रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना।